द्वारका एक्सप्रेसवे के अपडेट्स के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाए। जैसा कि आप सबने इससे पहले वाले वीडियो अपडेट में देखा होगा कि 30 अगस्त 2018 को NHAI ने दिल्ली के साइड के द्वारका एक्सप्रेसवे में डेमोलिशन शुरू किया था और काफ़ी कुछ पहले ही दिन डेमोलिशन करना रह गया था। तो हमने 2 सितंबर को वापस दिल्ली साइड के अपडेट के लिए दिल्ली नजफगढ़ रोड विजिट किया, ये जानने के लिए कि कितना काम अभी बाकी है या क्या काम हो चुका है। तो हम नजफगढ़ रोड से बंद रोड होते हुए दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टेड है, वहाँ पे जाएंगे। काफ़ी होम बायर्स और इन्वेस्टर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स और मास्टर रोड और CPR यानी कि सेंट्रल पेरिफेरियल रोड के बारे में बताया जाए। मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को कवर करूँ। आइए आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि दिल्ली साइड के द्वारका एक्सप्रेसवे में अभी क्या क्या चल रहा है। ये फिर से पहला फार्म हाउस जहाँ पर डेमोलिशंस हुए थे। यहाँ से अगर हम सीधे जाते हैं तो 2.4 किलोमीटर्स के बाद राघवपुर रोड आएगा और बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं तो जबगढ़ पहुँच जाएंगे। आगे जाएंगे और सेकंड फार्म हाउस में देखते हैं क्या स्टेटस है। ये सेकंड फार्म हाउस है जहाँ पर डेमोलिशंस हुए थे, जो बिल्कुल बंद रोड के साथ है। इधर बिजवासन फ्लाईओवर है, सामने सेक्टर 28 और 26 है द्वारका का। अब ये सेकंड फार्म हाउस है जिसके डेमोलिशंस आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल बंद रोड से होता हुआ जाता है। ये हम बंद रोड पे आ गए हैं बिल्कुल कॉर्नर पे, और पहले यहाँ पे एक फाटक हुआ करता था बंद रोड का, उस स्ट्रक्चर को इन्होंने डेमोलिश कर दिया है और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं NHAI की तरफ से, जो ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी डेमोलिशंस हुए हैं उनके जो भी मटेरियल्स हैं साइट पे उसे कोई चोरी करके ना ले जाए। तो वहाँ पे आपको दो गार्ड्स दिखेंगे। ये डेमोलिशन कर दिया गया है, ये हम बंद रोड के अंदर आ गए। ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे ये डेमोलिशंस हुए हैं फार्म हाउस के, ये सेक्टर 27 है जो द्वारका में आता है। यहाँ पे आपको कुछ पार्ट दिखेगा जो अभी भी डेमोलिश नहीं हुए हैं। ये वीडियो शूट करने के बाद वापस जाने के वक्त जब हमने इस एरिया को क्रॉस किया था तो यहाँ पे 2-3 JCB मशीन्स लगे हुए थे जो डेमोलिशंस कर रहे थे। यहाँ पे JCB मशीन्स थे NHAI की तरफ से, जिनसे हमने पूछा कि ये स्ट्रक्चर जो बचे हुए हैं वो कब डेमोलिश हो जाएंगे, तो उनका कहना ये था कि ये आज के आज ही डेमोलिश हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपको बाउंड्री वॉल्स दिख रहे हैं वो बाउंड्री वॉल्स तोड़ दिए गए हैं कम्प्लीटली। लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 27 है दिल्ली का और राइट हैंड साइड में सेक्टर 112 है गुड़गांव का। इससे पिछले वाली वीडियो में, जिसका ऊपर आप लिंक देखेंगे, अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर एक आई का बटन है, आप उस पर टैप करके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ये हम बंद रोड
से होते हुए दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे जा रहे हैं। खेतों के बीच में भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे जो कि अलाइनमेंट में आ रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है। जो अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हैं वो अभी भी वहाँ पे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जब हम बंद रोड में एंटर करते हैं दिल्ली के साइड से, नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के तरफ से, तो वो एरिया जो है वहाँ पे एक फ्लाईओवर होगा। गुड़गांव के साइड का जो बंद रोड है वो एक्चुअली वो शायद मेरे ख्याल से ब्लॉक हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि टोल के वजह से उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस एरिया में ही कहीं पे टोल आना है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये फील्ड ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ कहीं पे ही टोल बनेगा। ये नॉन एलिवेटेड सेक्शन होगा। ये पॉइंट एग्जैक्टली दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है और यहाँ पे भी एक फार्म हाउस का डेमोलिशन होना था, तो उसका स्टेटस भी देखते हैं। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये वो फार्म हाउस है जिसका डेमोलिशन पिछले बार नहीं हो सका था शाम हो जाने की वजह से, बट आज के डेट पे ये फार्म हाउस डेमोलिश्ड है और जो बाउंड्री वॉल थे उनको भी तोड़ दिया गया है। ये पार्ट दिल्ली का पार्ट है जो आप देख रहे हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का नॉन एलिवेटेड सेक्शन होगा। अगर ये अपडेट आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो डैट हमारे अपडेट्स आपके पास लगातार पहुंचते रहें। काफ़ी होम बायर्स और इन्वेस्टर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स और मास्टर रोड और CPR यानी कि सेंट्रल पेरिफेरियल रोड के बारे में बताया जाए।
मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को कवर करूँ।